क्या बीजेपी चौथे चरण में अपना प्रदर्शन सुधारेगी, सुधार पा रही है इसमें पिछले तीन चुनावों को जो देखा जाए, मतलब पिछले तीन फेजेस को, तो अब ये जो चौथे चुनाव हैं इसमें रामकृपाल जी क्या कुछ अंदाजा मिल पा रहा है कि मतलब बॉडी लैंग्वेज, नेताओं की बातचीत, नैरेटिव ऐसे, या कुछ बूथ लेवल से तमाम तरह के आंकड़े भी आने लग जाते हैं? देखिए, कल जो पटना में मोदी का रोड शो हुआ था, अगर बॉडी लैंग्वेज देखिएगा, बीच बीच में कहा जा रहा था कि 400 की बात अब वो नहीं कर रहे हैं। कल आपके संवाददाता ने जो सवाल किया था वो उनसे जो बातचीत में, तो उन्होंने कल ये सारी बातें की। कल जो पटना की रैली थी उसके बाद से जो सत्ता पक्ष का खेमा है, उस खेमे में थोड़ा सा जो निराशा सी थी उसको, तो ऐसा अब हुआ क्या इस बीच में जो थोड़ी मायूसी? मैंने देखिए, होता क्या है कि सारा का सब कुछ नैरेटिव पे डिपेंड करता है और लीडरशिप पे डिपेंड करता है। लीडर कितना कॉन्फिडेंट है, कहाँ करता है, क्या बोलता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है और किस जगह से। जैसे बिहार इस मामले में है कि बिहार को माना जाता है कि वो लोकतंत्र का एक ऐसा केंद्र है जहाँ से परिवर्तन की शुरुआत होती है, चाहे वो 74-77 रहा हो या जब भी, हर तरह का वहां से रहा है। तो ये है कि अभी कहा नहीं जा सकता क्या है, लेकिन एक जो आप बात ये परसेंटेज की कर रही थी, देखिए आपने कहा कि सबसे कम परसेंट जम्मू कश्मीर में हुआ है और सबसे ज्यादा बंगाल में, लेकिन अगर उलट इसका देखिए, सबसे ज्यादा उत्साहजनक संदेश जो आ रहा है वो कश्मीर से है, क्योंकि कश्मीर से 14-15% पोलिंग होती थी, तो कश्मीर की जनता निकल करके अब मेन स्ट्रीम में आ रही है, यानी जहां सबसे कम पोलिंग हो रही है वहां से एक है कि वहां लोग अब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो जबकि बाकी जगह जहां ज्यादा पोलिंग होती थी वहां कम हो रही है। तो कश्मीर से एक उत्साह की बात है, बदलाव हुआ है वहां बहुत सारी चीजें। और कई बार मैं इसका भी, जैसे अमिताभ जी ने सारा बताया ही कि कम या ज्यादा पोलिंग का कोई एक परिणाम क्या होता है ये नहीं बता सकता, लेकिन ये मेरा कहना है कि मैच्योर होते लोकतंत्र के लिए ये थोड़ा दुखद है कि वोट परसेंट इतना कम है। तो यही जैसे आप कह रहे हैं कि कश्मीर में उत्साह है, बाकी जगह वो उत्साह नहीं दिखा। ब्रेक लेंगे पर उसके पहले आदित्य जी आपसे कि ये जो बीजेपी सवाल हमारा है कि बीजेपी क्या आप चौथे चरण में अपना प्रदर्शन सुधारेगी, तो अगर सुधरता भी है तो कहां से सुधरेगा, किन जगहों से उम्मीद है? चौथा चरण जो था उसमें 2019 का स्ट्राइक रेट देखें अगर, तो बीजेपी का 47% था, कांग्रेस का 7% था। अभी ये जो पूरे चुनाव में इनका जो लक्ष्य है बीजेपी का वो 2019 में 69% था बीजेपी का, लेकिन अभी जो स्ट्राइक रेट में लक्ष्य है 2024 में बीजेपी का वो 84% है। तो कहां से आपको लग रहा है कि ये चौथे चरण को अगर आप देखें और पिछला जो तीन चरण हुआ है कि कहां पे सुधरने की गुंजाइश है? मेरे ख्याल से सुराग प्रधानमंत्री ने दिया था कल आपके ही इंटरव्यू में, जहां उन्होंने कहा कि भाजपा का अप्रत्याशित प्रदर्शन होगा और उड़ीसा में भी और तेलंगाना में भी और आंध्र प्रदेश में भी उनकी सीटें बहुत बढ़ेंगी। तो मेरे ख्याल से यहीं पर सबसे ज्यादा उम्मीद लगी हुई है, यहाँ पे सबसे ज्यादा उम्मीद है। ठीक है, तो पूर्व की और उत्तर पूर्व की बात की थी कि ईस्ट में उड़ीसा है, बिहार की बात वो कर रहे थे, बंगाल की बात कर रहे थे, वो नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे थे।